नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि भारती सिंह और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया है एनसीबी के द्वारा। मुद्दा तो यह है कि उसको ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया। 86 ग्राम गांजा उनके घर में मिला। कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे, जैसे राजू श्रीवास्तव जी हो गए, सुनील पाल जी हो गए, बहुत सारे कॉमेडियन उनके सपोर्ट में थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भारती ने खुद अपने मुंह से कबूला कि हम ड्रग्स लेते हैं, तो इसलिए पूरे बॉलीवुड में जो लोग भी सपोर्ट में थे भारती के और उसके हस्बैंड के, विपक्ष में आ गए हैं और ये कहने लगे हैं कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ और हमें शर्मिंदगी है कि हमने ऐसे इंसान को सपोर्ट किया। राजू श्रीवास्तव ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन आपको ये भी चीज़ बता दूं कि मुद्दा ये नहीं है कि भारती सिंह को गिरफ्तार किया गया, कॉमेडियन क्वीन जिसको बोला जाता है। मुद्दा ये है कि भारती सिंह को गिरफ्तार तो किया गया ड्रग्स मामले में, लेकिन दीपिका पादुकोण को क्यों नहीं? दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स मामले में आई थी, उनका भी नाम आया था और बहुत सारे लोगों का नाम आया था, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल और भी बहुत सारे लोग। ड्रग्स पैडलर को तो पकड़ लिया गया, लेकिन जो बड़े नाम उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? यह भी एक बहुत बड़ी सोचनीय बात है जो कि हर एक इंसान सोचने के लिए आज ये मजबूर है। आज भारती को जिस तरह से कॉमेडियन क्वीन का दर्जा दिया गया है, पूरे देश भर में, पूरे युवा हर घर में उनको इतनी इज्जत और सम्मान दी जाती है, लेकिन आज उन्हीं सारे लोगों के तरफ से इतनी प्रताड़ना और इतने ज्यादा व्यंग्यता उनके ऊपर कसी जा रही है, शायद भारती आज ये सब देख रही होती तो बहुत ज्यादा टूट गई होती। दोस्तों, दीपिका पादुकोण को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि ऐसा लगता है और ऐसा लोगों का भी कहना है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रोड्यूसर हाउसेस के प्रोड्यूसर के पैसे लगे हैं, कुछ बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं, तो हो सकता है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाए तो बहुत सारे प्रोड्यूसर को लॉस होगा। एक ये कारण हो सकता है और ये भी कारण हो सकता है कि भारती सिंह एक टीवी एक्ट्रेस है और वो फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो ये क्यों इस तरह का भेदभाव हुआ जा रहा है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि नवाब मलिक, जो कि एक बहुत ही बड़े नेता है, उनका कहना है कि आप ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो, जो ड्रग्स मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये उनका कमिटमेंट है, उनका ये बयान है, उनका ये कहना है कि आप जो ये छोटे छोटे एक्टर एक्ट्रेस को जो पकड़ रहे हो, किस लिए पकड़ रहे हो? क्या केस को गलत दिशा धारा देने की कोशिश कर रहे हो? ये एक ऐसा उनका इल्ज़ाम है। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि अगर आपको पकड़ना है तो जो ड्रग्स का सप्लाई करते हैं, जो बड़े तकसरी करते हैं, जो बड़ी ड्रग्स माफिया है, उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? ये भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नवाब मलिक ये कौन होते हैं कहने वाले कि इन लोगों को गिरफ्तार ना करके ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया जाए। बात यहाँ पे ये है कि क्या जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशा करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए? नवाब मलिक ने तो यह भी कहा है कि जो ड्रग्स ले रहे हैं वो एक दवा है, एक बीमारी है, उनको हॉस्पिटल भेजना चाहिए, उनको ड्रग्स ना लेने की दवा देना चाहिए, उनको नशा करने की नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये कैसी बयान है? प्रतिबंधित लगा हुआ है हमारे देश में नशा करना, ये जो नशा है वो प्रतिबंध लगा हुआ है, यहाँ पे आप उसका खुलेआम यूज नहीं कर सकते हैं, जब पूरे गवर्नमेंट गाइडलाइंस के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द किसी का भी बड़ा नाम आ सकता है, कोई ये नहीं कह सकता। कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि भारती सिंह, जिसको कॉमेडियन कपिल शर्मा शो में देखा जाता था, बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम करा है, बहुत सारे लोगों का इंटरटेनमेंट करा है और आज उनका बड़े नाम में उछाला जा रहा है। तो अभी ये बिल्कुल कहना मुश्किल है कि कौन एक्टर और एक्ट्रेस का अगला नाम होगा, तो ये जानना चाहती है पूरी देश, पूरा दुनिया, कि कौन है जिसको हम लोग इतना आइडल मानते थे, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, आज वो नशा खोर निकला। सवाल है, सोचने लायक बात है। राजू श्रीवास्तव जी साफ कहते हैं कि मैं भारती के साथ कितने सारे शोज कर चुका हूँ, कितने, उसके गोवा में जब उसकी शादी थी तो राजू श्रीवास्तव वहाँ भी जाते हैं, उसके साथ 2-3 दिन तक वहाँ पर रहते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, लेकिन भारती को इतनी एनर्जेटिक देख करके उनको यही लगता है कि उसको काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशन है। तो ये सारी चीज़ें राजू श्रीवास्तव ने कही और आज उन्होंने ये कबूल करा कि हमें क्या पता था कि इतनी एनर्जी और इतना पैशन ये
काम की नहीं थी, ये ड्रग्स की एनर्जी थी। इतना कोई बहुत आकस्मिक एनर्जी नहीं आ रही थी उसको, ब्रह्मांड की तरफ से कोई बहुत बड़ी एनर्जी नहीं मिल रही थी, ये सारी ड्रग्स की एनर्जी थी जो कि पूरे देश को झकझोर के रख देती है। राजू श्रीवास्तव जी ने यहां तक ये भी कहा कि नशा करोगे तो ही काम होगा क्या? ऐसी सोच अगर है जो दो कौड़ी के लोग ये दिमाग में डाल देते हैं, उनको बड़गला के रख देते हैं, उनको ये कहते हैं कि स्मोकिंग करोगे तो आवाज तुम्हारी बोल्ड होगी, नशा करोगे तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही तगड़ा होगा, नशा करोगे तो बहुत ही कूल होगे, माइंडेड होगे, बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में भरी जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं। और बहुत बड़े, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा वहाँ पे है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ने लगोगे, थोड़े से पैसे हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको माइंड में ये चीज़ डाला जाता है कि आप नशा नहीं करोगे तो आपसे काम नहीं होगा, आपके अंदर पैसन नहीं आएगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंस होकर के काम नहीं कर पाओगे। तो ये दो कौड़ी के लोग जो आसपास में होते हैं ऐसी चीज़ें भर देते हैं कान में, तो ये बहुत गलत है। किसी के लाइफ के साथ आप खिलवाड़ करते हो, इसका मतलब ये बहुत गलत बात है। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े एक्ट्रेस और भारती जैसे लोग को लोग पर्स में रखते हैं, अपने टेबल पे फोटो लगा के रखते हैं, घर में इतनी इज्जत और सम्मान और प्यार देते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो लोग घेर लेते हैं, आपसे एक हाथ मिलाने के लिए लोग तरसते हैं, आपको देखने के लिए, आपको छूने के लिए, आपको हक करने के लिए तरसते हैं। क्या ये एक नशा से कम है? हमें तो नहीं लगता कि ये एक नशा से भी अपर लेवल की बात होती है। आप इतनी मेहनत करके, इतने स्ट्रगल करके एक मुकाम बनाते हो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज अगर आपका नाम इन सारी चीज़ों में लपेटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में जिम्मेदार हो, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो और आपने तो एक्सेप्ट करा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा होता, अगर आपके घर में वो चीज़ नहीं पाई गई होती, तो आज आप कहीं ना कहीं अपने आप को सत्य साबित कर सकते थे। लेकिन आज आप ये भी नहीं कर सकते कि आज कुछ लोग मुझे डिफेम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप डिफेम खुद हो रहे हो, आज आप खुद गलत हो, आज आपने एक्सेप्ट करा है। अभी पूरे देश, पूरे दुनिया और पूरे भारत की हर एक जनता की नज़र पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे है कि अगला नाम किसका है, कौन है जो अगला होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आज हर एक इंसान बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो सच्चाई है वो सामने निकल के सामने आ रही है। आज ये सच्चाई पूरी देश, पूरी दुनिया भर में हर एक इंसान जान चुका है। आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा इन सारे बातों पे कि आप लोगों का क्या सोच है, आप लोगों की क्या राय है। मैं तो अपनी विचार जरूर व्यक्त करता हूं हर एक वीडियो में जो हमें अच्छा लगता है, और ये सारे विचार जो होते हैं वो सब आपके ही विचार होते हैं, आपके कमेंट होते हैं, आपके कहीं ना कहीं विचारों को मैं आप लोगों के सामने ला करके रखता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा, तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।